हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का 11वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट इज द कोनिंग इन अ डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में कोनिंग क्या होते हैं, कोनिंग की प्रॉब्लम क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपको फ्लडिंग, इंट्रेनमेंट और वीपिंग तीनों बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देखिए। इसमें हम समझेंगे कि डिस्टिलेशन कॉलम में कोनिंग की क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, उसे समझने से पहले आप जानते हो कि ये डिस्टिलेशन कॉलम मैंने बनाया है। ये हमारे बबल कैप ट्रे हैं। बबल कैप ट्रे में हमारी जो वेपर को मैं दूसरे मार्कर से दिखा दूँ, जिस वेपर जो है इस बबल कैप से ऐसे इन साइडों से होके ऊपर उठेंगी, इधर से होते हुए ये वेपर उठेंगी, इधर से होते हुए ये वेपर उठेंगी, इधर से होते हुए ये हमारे बबल कैप ट्रे हैं। ये हमारी वेपर ऊपर उठ रही हैं और वेपर ऊपर उठेंगी, कंडेंसर में कंडेंस होंगे, फिर कुछ रिफ्लक्स के रूप में हम एसी में टावर में इफेक्ट कर देंगे, बाकी को प्रोडक्ट में डाल देंगे। बाकी जो लिक्विड नीचे आएगा उसे फिर से हम रिवॉल्व करेंगे, फिर से यहाँ पे वेपर जनरेशन करा कर फिर उसे वेपर को भेजेंगे। अब समझते हैं दोस्तों कोनिंग क्या होती है। कोनिंग में क्या होता है दोस्तों, कोनिंग जो वर्ड है वो कोन से लिया गया है। कोन आप जानते हो, ये कोन है अपना, ये हमारा कोन है जिसे शंकु कहते हैं, शंकु। तो जो है ये कोनिंग इस कोन से ही लिया गया है। कोन कोन को देख के आपको क्या लगता है दोस्तों, जो भी लगता हो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि कोई भी ट्रे होती है, अगर ट्रे पर लिक्विड और वेपर दोनों का कांटेक्ट अगर अच्छे से हो रहा है तो सेपरेशन अच्छा होगा। अगर लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट जो है अच्छा होगा तो सेपरेशन भी अच्छा होगा। लेकिन अगर कॉन्टेक्ट टाइम या लिक्विड और वेपर का जो कॉन्टेक्ट है वो अच्छा नहीं होगा तो सेपरेशन भी अच्छा नहीं होता है। अधिकतर लिक्विड को जो है, लिक्विड और वेपर जो है, सपोज करो ये हमारी वेपर है और ये हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड पूरा का पूरा जो हमारा वेपर है पूरा लिक्विड के पूरे अच्छे से कॉन्टेक्ट में होके तब ऊपर यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो उस केस में हमारा सेपरेशन अच्छा होगा। लेकिन यही जो अगर लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट अच्छा नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, सेपरेशन भी अच्छा नहीं होगा। कोनिंग में क्या होता है कि कोनिंग में जो हमारी ट्रे होती है, चाहे कोई भी ट्रे हो, चाहे सीव ट्रे हो, बबल कैप ट्रे हो, वॉल ट्रे हो, तो वो जो है वहाँ पर जो लिक्विड होता है, लिक्विड बिल्कुल ट्रे पर होता नहीं है, लिक्विड बहुत कम होता है। और जब लिक्विड कम होता है तो हमारी जो वेपर होती है वो खाली खाली जैसे कोन है ये, तो यहाँ पे तो लिक्विड भरा है लेकिन उसके बाद वो लिक्विड है ही नहीं, तो वो वेपर जो है इन साइडों से होके निकल जाती है, लिक्विड लिक्विड से मिल ही नहीं पाती। वेपर क्या होते हैं दोस्तों, लिक्विड जो है यहाँ पे जो लिक्विड का जो है ट्रे है हमारे, जैसे बबल का ट्रे, तो यहाँ पे तो लिक्विड भरा रहेगा, यहाँ पे लिक्विड भरा रहेगा लेकिन और इसके साइड में लिक्विड नहीं होगा, इम्पटी हो जाएगी ट्रे, इम्पटी हो जाएगी। तो जब साइड में हमारा लिक्विड भरा नहीं रहेगा यहाँ पे, तो जैसे कोन में स्टार्टिंग में तो ये पूरा का पूरा मिल रहा है, हमारा सरफेस एरिया लिक्विड से डूबा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठ रहे हैं तो ये पूरा कोन मिल रहा है, यानी कि स्पेस खाली हो गया, यहाँ पे लिक्विड है ही नहीं, तो वेपर क्या होगी वो क्या करेगी कि यहाँ पे पूरी तरह से लिक्विड से कांटेक्ट में ना आके एक तरह से कोन बनाते हुए कोन की तरह वो साइडों से होके ट्रे के साइडों से होके ऊपर उठ जाएगा, यानी कि लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा सेपरेशन दोस्तों क्या होगा, पुअर होगा। एक बार और आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, कोनिंग में क्या होता है कि हमारा जो है वेपर जो होती है, जो वेपर यहाँ से रिबॉयलर से जो वेपर आप दे रहे हो वो लिक्विड ट्रे पे न होने के कारण कोन, जैसे कोन से हम साइड कोन कोन की तरह वो साइडों से होके ऊपर उठ जाती हैं, और यही प्रोसेस हमारी कोनिंग कहलाती है। लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट बिल्कुल पुअर हो जाता है। जैसे हमारा कोन में यहाँ पे हमारा कांटेक्ट अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठा, यानी कि यहाँ पे हमारी जो वेपर का जो है कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा रहा यहाँ पे कोन के सरफेस पे यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठा तो यहाँ खाली मिल गया, इसे यहाँ खाली मिल गया, 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 यानी कि यहाँ पे लिक्विड पूरा का पूरा खाली है ही नहीं, तो वहाँ पे वेपर पूरी तरह से
ड्राई ट्रे पे बहुत तेजी से निकल जाएगा। और आप जानते हो कि सेपरेशन तभी अच्छा मिलेगा जब लिक्विड और वेपर का कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ेगा, कॉन्टेक्ट अच्छा सा होगा। तो ये प्रोसेस कोनिंग कहलाती है। कोनिंग में कुछ नहीं, ट्रे में, ट्रे हमारी खाली होती है जिससे हमारे वेपर जो होती है साइडों से कोन बनाते हुए निकल जाती हैं, और यही प्रोसेस हमारी कोनिंग कहलाती है। तो आई होप आपको कोनिंग क्या होती है वो समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं किसी और माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।